ने हमें पिछले 20 सालों में टर्न्स ऑफ एक्शन सीन्स, आइकॉनिक साउंडट्रैक एंड इंटेंस कैरेक्टर मूवमेंट दिखाया है, फिर चाहे वो मांगा या एनिमे हो, फैंस विल नेवर फॉरगेट द इम्पैक्ट दिस फ्रेंचाइजी हैड ऑन देयर लाइफ। और वन पीस ने अभी तक उसकी स्टोरी में बड़े ही पावरफुल इश्यूज डिस्क्राइब किए हैं, लाइक डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लोइटेशन, एक्सपेरिमेंट ऑन चिल्ड्रन एंड अदर हॉरिबल टॉपिक्स दैट आर नॉट एक्सप्लोर्ड बाय मच एनिमे। वेल, अभी तक वन पीस व्यूवर्स को काफी सारे वैल्यूएबल लाइफ लेसन दिखा चुका है, तो क्या आप भी जानना चाहते हो वो लाइफ लेसन? सो हेलो फेलो क्रूमेट्स, आई एम योर होस्ट ओम एंड लेट्स स्टार्ट डिगिंग टुवर्ड फाइव मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन वन पीस गिव्स टू व्यूवर्स। हम सभी को पता है कि जाया आर्क के दौरान लूफी, जोरो एंड नामी का एनकाउंटर पहली बार बेलेमी से होता है, जहां पर बेलेमी लूफी के ड्रीम और उसकी स्काई पिया जाने की जीत पर उसका मजाक उड़ाता है और लूफी को काफी ज्यादा ह्यूमिलेट भी कर देता है, जिससे लूफी अपने ड्रीम को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बट एंड में ब्लैक बियर्ड आकर उनको अपने ड्रीम पर गिव अप ना करने की सलाह देता है और एक मैग्निफिसेंट लेसन भी दे देता है, जो कि वाकई में यार एक एप्रिशिएट मोमेंट ही ब्लैक बियर्ड के लिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लूफी का बिगेस्ट एनिमी ही लूफी को एक दिन मोटिवेट करेगा। सो यार यहाँ पर हैट्स ऑफ ब्लैक बियर्ड यार, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। जब कभी भी हम सुपर हीरो को बैटल लूज करते हुए विटनेस करते हैं तो हमें भी एंगर, फियर एंड इवन सफरिंग फील होता है, और ये बात स्ट्रो हैट पायरेट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। फिर भले ही वो नामी की आर्लोंग के सामने अपनी डेस्परेशन दिखाना हो या फिर तो कुमा के हाथों कुछ ले जाना हो, उनकी हर एक हार उनके लिए एक वर्थवाइल एक्सपीरियंस बनती है। और ऐसे ही वन पीस हमें ऐसी बैटल्स एंड नंबर ऑफ ओकेशन दिखा चुका है जहाँ पर हीरो हमेशा नहीं जीतता और मेन कैरेक्टर हमेशा एंड अप विक्ट्री नहीं अचीव करता। एंड दिस हेल्प्स व्यूअर्स अंडरस्टैंड दैट एवरी बैटल विल नॉट ऑलवेज एंड इन विक्ट्री फॉर हीरोज। सो यार यहाँ पर आपको लगे रहना होगा अपनी जिंदगी में यार हार जीत तो चलती रहेगी, मगर यार हर एक हार आपकी कल की जीत बन सकती है, तो यार नेवर गिव अप। वन पीस में फिशर टाइगर की डेथ वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ में से एक थी। फिशर टाइगर जिसको ह्यूमन ने स्लेव बनाकर काफी टॉर्चर किया था, तब भी वो फिशमैन एंड ह्यूमन के बीच एक पीस चाहता था और डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था। इसके बारे में हमें फिशमैन आइलैंड आर्क पे पता चलता है, जहाँ पर यह बंदा लिटरली एक जीता जागता हीरो था जिसके जैसा हर कोई बनना चाहता था। पर अनफॉर्चुनेटली मरीन ने फिशर टाइगर पर गोलियां बरसाकर उसको मार डाला, बिकॉज वो गवर्नमेंट के लिए एक थ्रेट था। He died believing that human would eventually break the discriminatory barrier between them and fishmen. And then Luffy ने उसकी विश को पूरा किया और human and fishmen के बीच discrimination को खत्म कर दिया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि discrimination काफी बड़ा threat है एक world के लिए। अगर आपको अपने फेवरेट वन पीस सीन के बारे में पूछा जाए तो आप एनिस लॉबी से निको रॉबिन का आई वॉन्ट टू लिव सीन पक्का रिकॉल करने वाले हो, जहाँ पर रॉबिन लूफी एंड उसके क्रूमेट से हेल्प मांगते हैं टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। हाउएवर रॉबिन पहले हेल्प मांगने से रिफ्यूज करती है क्योंकि उसको लगता है कि उसके वजह से लूफी और बाकी सबको गवर्नमेंट टारगेट करेगी, कॉज सी इज द पार्ट ऑफ देयर क्रू। बट लूफी न्यू सी नीड हेल्प एंड ही फोर्स्ड हर टू स्पीक इट आउट व्हाट शी वांट एंड सेव्ड रॉबिन। वेल, ऐसा ही एक मोमेंट नामी के साथ हुआ था जहाँ पर वो आर्लोंग के अगेंस्ट लूफी से हेल्प मांगने से कतर रही थी, जहाँ पर लूफी उसको भी समझ जाता है और उसकी हेल्प कर देता है। हाउएवर नामी एट दैट टाइम बिट्रेड हिम और नामी भाई उसको भाई बहुत ही बड़ा चूना लगा गई थी उस समय उसकी बोट चुरा कर, मगर हमारा लूफी बहुत साफ दिल का है और भाई सबकी बैंड बजा देता है और नामी की भी हेल्प कर देता है। सो यहाँ पर हमें ये मैसेज मिलता है कि मुसीबत के वक्त दूसरों से मदद मांगने में कुछ भी बुराई नहीं है। दोस्ती और परिवार से बड़ा क्या ही हो सकता है इस दुनिया में, और ऐसे ही लूफी और उसके क्रूमेट की बॉन्डिंग देखकर आप लोग फ्रेंडशिप एंड फैमिली के लिए अपने ओपिनियन समझ सकते हैं। लूफी ने कभी भी अपने फ्रेंड्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया है, फिर भले ही वो लोग लूफी के रेकलेसनेस बिहेवियर से डिसएग्री ही क्यों ना करते हो। जब कभी भी कोई मुसीबत आती है तो वहाँ पर हमेशा लूफी ने सबकी मदद की है और हर एक तरीके से वो अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करते हुए आ रहा है, फिर भले ही उसके खुद के क्रूमेट ने उसको बिट्रे ही क्यों ना किया हो।
ही नेवर मिस द सिंगल चांस टू स्टिक टुगेदर, क्योंकि यार मुसीबत के वक्त ही हमें अपनों का और गैरों का पता चलता है, फिर चाहे सामने कितना भी पावरफुल एनिमे क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, वी शुड अंडरस्टैंड द इंटरनल प्रॉब्लम ऑफ द पीपल रादर देन डायरेक्टली ब्लेम देम। और इसी के चलते ही लूफी ने आज तक एक भी क्रूममेट को नहीं खोया है, और यही एक बात फैमिली का वैल्यू भी समझा देती है, जो कि हमें वन पीस में काफी अच्छी तरीके से नोटिस भी करना चाहिए था। तो दोस्तों ये बात तो हो गई वन पीस के लेसन के बारे में, और इसके अंदर और भी कई ज्यादा लेसन है जो कि मैं आगे भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। मगर उससे पहले अगर आपको नहीं पता है कि वन पीस क्या है, अगर आप वन पीस देख रहे हो और फिर भी आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है कि ये बात किस बारे में है और ये स्टोरी लाइन कैसे फॉलो की जा रही है, सो यार मैंने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आपको जाकर वो वीडियो देखना चाहिए, काफी इंफॉर्मेटिव है, और उस वीडियो को देखने के बाद आप 100% वन पीस की स्टोरी को कंटिन्यू फॉलो कर पाओगे विदाउट एनी हेजिटेशन। सो वेल आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से जाओ उस वीडियो पर रिस्पॉन्ड हो जाओ।